बेटा, आप सभी जानते हैं कि शेयर बाजार में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऑपरेटर की चालों को समझें और उसको मात दें, तभी हम शेयर बाजार में पक्का और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। नहीं तो हर बार होगा क्या, ऑपरेटर के शिकार बन जाएंगे। तो आज इसी लाइन पर मैं एक बहुत जबरदस्त ऑपरेटर की चालाकी यानी स्ट्रेटेजी बताऊंगा और उसको तोड़ने का तरीका बताऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबान। देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त तरीका होता है ऑपरेटर को, लोगों को, निवेशकों को अपना शिकार बनाने का। ऑपरेटर जो है एक शातिर आदमी है, वो खेला खाया आदमी है। यानी सबसे बड़ी बात जो ऑपरेटर के फेवर में जाती है, उसके पास बहुत ज्यादा मनी पावर होती है, बहुत ज्यादा मनी पावर। तो वो उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। अब कई लोग कहते हैं ऑपरेटर नहीं होता। ऑपरेटर मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी स्टॉक को, किसी इंडेक्स को चला सके, उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, यानी ऑपरेट कर सके। ये बड़े बड़े FIs हो सकते हैं, बड़े बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। तो कहते हैं ना कि उसकी आइडेंटिटी पे जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। कभी कोई किसी का हाथ चल जाता है, कभी किसी का हाथ चल जाता है। कुछ लोगों का आपने नाम सुना ही होगा, किसी जमाने में हर्षद मेहता बहुत बड़े ऑपरेटर थे। तो ऐसा होता है कि अपना अपना हिसाब है ऑपरेटर्स का। स्क्रिप्ट वाइज भी चलते हैं, छोटे स्टॉक में भी चलते हैं, बड़े स्टॉक में चलते हैं। हम यहां बात करेंगे बेहतरीन स्टॉक्स की, ताकि हमारा रिस्क नीचे रहे और ऑपरेटर को मारकर हम इसमें अच्छा मुनाफा कमा पाए। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज जो शेयर बाजार में होती है वो होती है शेयर्स का टारगेट प्राइस देना। बड़ी बड़ी रिसर्च फर्म होती हैं, जैसे JP Morgan, क्रेडिट स्विस, मॉर्गन स्टेनले, बहुत सारी फर्म्स हैं, CLSA, सिटी, HSBC, बहुत सारी हैं। अब लिस्ट बड़ी, कहते हैं ना, बड़ी लंबी लिस्ट है। ये जो कंपनियां हैं ये अपनी रिसर्च करती रहती हैं, ये जा जाकर कंपनीज की डिटेल इकट्ठी करती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी पूरे देश के फैक्टर्स को देखती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, माइक्रो लेवल के फैक्टर्स को भी देखती है। यानी सभी तरह से इकोनॉमी के साथ साथ कंपनियों को एनालाइज करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को, क्या चल रहा है, कंज्यूमर प्रेफरेंस को, किस तरह के GDP के टारगेट आने वाले हैं, इन सभी बातों को देखते हुए कहाँ लोगों का रुझान है, कौन से सेक्टर्स अभी भागने वाले हैं, कौन से गिरने वाले हैं, इन सब को स्टडी कर कर अपनी तरफ से ये रिसर्च रिपोर्ट निकालती हैं, जिसमें कारणों के साथ अपना टारगेट प्राइस बताती हैं। अब यहां आ जाता है ऑपरेटर का गेम। अब आप में से कई लोग कह रहे होंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टारगेट प्राइस गलत होते हैं। ऐसा नहीं, टारगेट प्राइस जो ये बड़ी बड़ी जो रिसर्च हाउसेज निकालते हैं, ये सब्जेक्टिव होते हैं। मैं इसको गलत और ठीक की परिभाषा में नहीं डालूंगा, ये तो आपका अपना चयन है। क्योंकि कभी कभी एक ही शेयर का आप देखेंगे, एक ब्रोकरेज हाउस ऊपर का टारगेट दे रहा है, एक नीचे का टारगेट दे रहा है। तो वो अपनी अपनी समझ है, अपना अपना एक रिसर्च का एनालिसिस है। शेयर बाजार में कुछ इतना आसान नहीं होता, पर मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो रिसर्च है उसके टारगेट्स आते हैं, ये 90% इफेक्टिव होते हैं, 90% तक ये अपनी बातें साबित कर देते हैं। अब ऑपरेटर इसको कैसे खेलता है? अब आप कहेंगे कि 90% तक ठीक होते हैं तो बस ठीक है, जिसकी रिसर्च आए हम उसके शेयर ले लेंगे, हम ऑपरेटर से हार नहीं खाएंगे। यहीं आप थोड़ा चूक जाते हैं। होता क्या है, ऑपरेटर को भी पता चलता है, ऑपरेटर तो बाजार में घुमाता भी है, और मेरे को तो लगता है उसके तो जो हाथ हैं बड़े लंबे होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंचे होते हैं। हो सकता है कुछ टारगेट प्राइसेस तो उसको हमसे बहुत पहले ही पता चल जाते हो। तो एक बात कह रहा हूँ भाई, देखो, जो जहाँ पैसा आ जाता है तो वहाँ रसूख, पहुँच, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं आपको एग्जाम्पल अपने माइंड में अगर आप रखना चाहें तो भारतीय एयरटेल का रख के चलिए। भारतीय एयरटेल का एग्जाम्पल देते हैं, और भी बहुत सारे हैं। अब भारतीय एयरटेल का मुझे याद है, जब वो 500 के नीचे ट्रेड हो रहा था, 500 के आसपास, 525, 550, तो 620 के, 680 के,
रिसर्च हाउस के टारगेट्स आया करते थे, भाई इसका सब ठीक चल रहा है, ये हो जाएगा 680 620 के आते थे, और जैसे ही वो 600 क्रॉस करता था उसको इतनी सेलिंग आ जाती थी वो गिर जाता था। तो ऑपरेटर क्या करता है, उसको बड़ा अच्छा तरीका दिख जाता है, ये जैसे ही देखता है कि ब्रोकरेज हाउस ने किसी भी कंपनियों को अच्छा बताया तो वो उसके शिकार के लिए रेडी हो जाती है। उसको पता है लोगों का इसमें इंटरेस्ट जागेगा, तो वो उसको चढ़ने देता है शुरू में, खुद भी बाइंग करता है स्टार्टिंग फेज में, जैसी कोई आएगी उसको या तो पहले से पता होता है पहले ही खरीद लेते हैं, यानी बाजार में स्टॉक कम आ जाता है, तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो वो दबा के उसको शॉर्ट करने लगता है। अब शॉर्ट करने के ऑपरेटर के कई तरीके होते हैं, एक पुट बेचना, कई तरीके होते हैं, नहीं सॉरी पुट खरीदना, बेचना नहीं, पुट बेचना लॉन्ग का तरीका है, पुट खरीदना, ऊपर के रेटों की कॉलें बेचना, सुन रहे हैं आप ध्यान से, फ्यूचर बेचना, शेयर्स को भी बाजार में बेचना, ऑल्दो शेयर्स को वो एफएनओ से रिवर्स लेके चलता है, शेयर्स को तो वो अपने मैनिपुलेशन के लिए चलता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, चाहे वो फ्यूचर का प्राइस हो चाहे कॉल ऑप्शन का हो पुट ऑप्शन का, ये डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, ये प्राइस डिराइव करते हैं कैश मार्केट से, तो कैश मार्केट में ऑपरेटर गेम बनाता है और इनके प्राइस को ऊपर नीचे, जैसे शेयर को अगर बढ़ाना है किसी का शेयर का रेट, ऑपरेटर चाहता है मैं इसको ऊपर के रेटों बेचूं, तो कैश मार्केट में शेयर खरीद लेता है, शेयर का रेट बढ़ता है तो ऊपर के रेट पे फ्यूचर बेच देता है, ऊपर के रेट पे मान लो 1,00,000 शेयर खरीदे या 10,00,000 शेयर खरीदे, 10,00,000 की बड़ी खरीदारी आ गई तो शेयर का रेट बढ़ जाएगा, तो ऊपर के रेट पे मान लो उसके 10 गुना 1,00,000 फ्यूचर काट दिए, सेल कर दिए, उसके बाद शेयर को छोड़ दिया, जैसे 10,00,000 खरीदे तो अब 10,00,000 बेच देगा तो शेयर गिर जाएगा, शेयर गिर जाएगा तो क्या होगा, उसके जो फ्यूचर उसने बेच दिए ऊपर के रेट में गिर जाएंगे, उनको नीचे के रेट पे खरीद लेगा। ये थोड़ा टेक्निकल होता है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता, तो ये गेम बनाता है। तो जैसे किसी रिसर्च हाउस की या मल्टीपल रिसर्च हाउस की अगर किसी स्टॉक पर फेवरेबल रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं तो ये तो उसको पहले से जानकारी होती है, पहले से सौदे पकड़ लेता है, फिर जैसी रिपोर्ट आती है खुद भी खरीदारी करता है, तो मार्केट में पहले ही माल कम होता है और खुद भी खरीदारी करता है तो शॉर्टेज हो जाती है, फिर जनरल पब्लिक की बाइंग आती है और शेयर भागता है। जब शेयर भागता है तो ऊपर के रेटों पर वो उसे शॉर्ट करता है, यानी कॉले बेचता है, फ्यूचर बेचता है, पुट्टे खरीदता है दबा के, और फिर शेयर जब बेच, क्योंकि फिजिकल स्टॉक तो उसके बहुत होता है, उसको दबा के बेचना शुरू करता है, हर राइट पे माल बेचता है और शेयर इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है कि फ्यूचर्स में उसको बहुत भारी प्रॉफिट होता है और रिटेल निवेशक मारे जाते हैं, कॉले सारी की सारी जो बेची होती है उसने ओटीएम हो जाती है, सारा प्रॉफिट हो जाता है, पुट्टे जो खरीदी होती है सब आईटीएम हो जाती है, उनको बड़े हैवी प्रीमियम पे स्क्वेयर ऑफ करके सबको काट देता है। अब याद करिए भारतीय एयरटेल में, याद है जब भारतीय एयरटेल कुछ समय पहले, अब तो कट गया ना, 2-3 महीने पहले बता रहा हूँ, कम से कम 8 महीने तक, 6-8 महीने तक, साल तक उसके रिपोर्ट आती थी, 640 जाएगा, 620 जाएगा, 680 जाएगा, जैसे ही वो 600 क्रॉस करता था इतनी भाई साहब उसको गिरावट कर देते थे, 500 पे आया था, कोई पुट बेचो सबकी इंदा मनी जाती थी, लोग नीचे के रेटों में पुट्टे स्क्वेयर ऑफ करके भारी लॉस बुक करते थे। तब आपको याद होगा मैंने इसमें बहुत पैसे कमाता था, मैं सिर्फ कॉले ऊपर के रेट पे बेच देता था, फिर नीचे के बहुत नीचे की पुट्टे बेचता था, वेट करता था, गिर जाता था और दूर की पुट्टे बेचता था, 2-4 पुट्टे तो मेरी ओटीएम में जाती थी, 1-2 आईटीएम में जाती थी, उसकी डिलीवरी उठा लेता फिर चढ़ता था निकल जाता, ऐसे करते करते मैंने खूब बेचा। और फिर आपने देखा होगा वो जितने टारगेट ब्रोकरेज हाउसेज ने बताए थे सारे सरपास हो गए, और मेरी मैंने जो ऊपर के रेट में कॉले बेची थी एक बार तो मेरी सारी इन द मनी होगी, मैंने सारे शेयरों की डिलीवरी छोड़ दी, मैं बस 4 लॉट आ गए थे भारतीय एयरटेल के, एक एक शेयर पे 100-150 रुपये कमाए और जाके उस पूरे लॉट में 1,00,000 रुपये के आसपास की कमाई हुई थी और मैं 620-625 पर निकल गया, फिर मैंने इसमें हाथ नहीं डाला। अब इसने 740-750 का लेवल टच किया, अब देखिए फिर से अब इसने 720-740 का लेवल टच किया है, उसके बाद देखिए फिर से 820-830 की आ रही है, तो मुझे फिर लग रहा है इस शेयर को फिर मारा जाएगा, क्योंकि अब लोग खरीदारी करते हैं और मेरा विचार है इसको 650 के आसपास या उससे नीचे लाया जाएगा, ऐसा मेरा विचार है, पर मैं बता दूं मैं गलत भी हो सकता हूं। मैंने अभी इसकी 700 की पुट बेची थी, किस्सा बता रहा हूं, मैंने देखा यार 740 घूम रहा है, 700 की पुट बेच दी, फट से ये 700 के नीचे आ गया अभी 2-3 दिन पहले, हालांकि मुझे पुट में पहले 10-15 हज़ार का फायदा होता, जब वो 700 के नीचे आ गया तो मेरा माथा ठनका, 700 के नीचे आया मैंने 650 की पुट बेच दी है, और उसके बाद जैसे ही बढ़ा मैंने उसको स्क्वेयर ऑफ कर लिया, उसमें 3-4 हज़ार रुपये बचा लिया, मैंने कहा इसमें 3-4 हज़ार बच गए, रेट गिरने से मैंने 650 की बेची हुई है, अब मैं शांति से बैठ गया। तो अब भारतीय एयरटेल में मुझे क्या लग रहा है कि ये नीचे 600 भी काट सकता है एक बार,
650 मतलब ये नहीं कह रहा धुरू करेगा, 650 पर स्ट्रांग सपोर्ट है, फिर 600 पे है। तो अभी मैं पहले 700 का देख रहा था, 700 कटा, मैंने इस बार स्क्वेयर ऑफ कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने कहा बहुत ज्यादा डिलीवरियां उठानी क्योंकि और भी स्टॉक्स में डिलीवरियां आई हुई हैं, तो इसके चलते मैंने 650 की पुट्टे बेचनी शुरू कर दिए। जब गिरेगा 650 की बेचूंगा, जब 650 कटता नजर आएगा फिर 600 पे चला जाऊंगा 650 की स्क्वेयर ऑफ करके। तो अब ये मैंने इसके अंदर एक बड़ी रणनीति तैयार की। यही मसला आप देखेंगे, यही हाल ऑपरेटर ने SBI में किया, यही हाल इस वक्त HDFC AMC में कर रखा है, यही हाल बहुत सारे शेयरों में आप देखेंगे। M&M की बहुत ऊपर के टारगेट्स आ रहे हैं उसको मार रखा है, बजाज ऑटो के ऊपर के टारगेट आ रहे हैं उसको मार रखा है, HDFC बैंक के ऊपर के टारगेट आ रहे हैं उसको मार रखा है, यानी सभी शेयर्स जिनके अच्छे टारगेट रिपोर्ट ब्रोकरेज हाउसेस दे रहे होते हैं उसको मारता है, यानी ऑपरेटर अपना दाना पानी हर स्थिति में निकाल लेता है। तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स गलत नहीं होती। अब जब मैं देखता हूँ शेयर बहुत गिर गया तो मैं उसमें MFCPP लगा देता हूँ, MKJ फ्यूचर कॉल पुट स्ट्रेटेजी। शुरू में M3K लगाता हूँ, ज़्यादा गिरता है फिर मैं इसमें अपनी मिक्सो लगा देता हूँ, MKJ इंट्राडे कम ऑप्शन, इंट्राडे कम स्विंग स्ट्रेटेजी इन ऑप्शन, मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लान, अब मेरा जैसे रडार पे चढ़े हुए इस पे लगा देता हूँ। अभी मैंने SBI में काम किया, SBI की मैंने पिछले राउंड में तो ऊपर की पुट बेची थी, अब की बार 900 की भी पुट्टे बेची है मैंने। तो इस तरीके से ना ऑपरेटर का हमें देखना पड़ता है कि किस शेयर के टारगेट्स आ रहे हैं और किस तरह से उसमें वो खेल बना रहा है। तो ये मतलब आपने आंख मीच के काम नहीं करना क्योंकि नीचे कितना जाएगा आपको पता नहीं। जैसे HDFC AMC देखिए, उसको तो नीचे बहुत ही लेवल पे मार दिया, बहुत ही लेवल पे मार दिया। तो ये सदा होता है कि ब्रोकरेज हाउस की अच्छी रिपोर्ट आती है, कोई दो तीन आ जाती है तो लोग खरीदारी करते हैं, उनको खरीदने देता और ऊपर रेट पर सेलिंग कर रहा होता है, अच्छे से माल भी नीचे से खुद भी खरीद लेता, फिर जब एक लेवल पहुंचा देता है जब उसने अपनी काफी सारी सेलिंग कर ली होती है, अब उसको गिरा के प्रॉफिट कमाना है, फिर धड़ाम से जो वो सेल करता है तो शेयर बहुत तेजी से गिरता है। अभी जैसे SBI कार्ड का बहुत तेजी से गिरा, लोग पूछ रहे थे SBI कार्ड क्यों गिर रहा है, भाई पोजिशनों का खेल है, ऊपर के रेटों में फंसा दिया लोगों को और अब मार दिया, 900 के आसपास ले आया SBI कार्ड को। M&M को देखो कितना मारा था। तो ये जो ऑपरेटर का गेम होता है ना, इसलिए ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पर भी हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हम भी सुनते हैं टीवी पर, अखबार में पढ़ लेते हैं, पर हम फिर ध्यान नहीं रहता है। यहां आपको ध्यान रखना है। मेरा ना बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैंने क्या अपने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे लिंक से ही ज्वाइन करिए क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल भी हैं। अब मैं क्या करता हूं, अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली बेस पे जो भी मुझे ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स प्राइस मिलते हैं वो रोज एक सेक्शन बनाया हुआ मैंने, आप देख सकते हैं, मैं वहां डालता रहता हूं रोज, और बीच बीच में अपने टेलीग्राम चैनल पे खुद जाकर पीछे पीछे जाकर सारे टारगेट्स देखता रहता हूँ, किसका टारगेट है, कौन अपने टारगेट से काफ़ी नीचे आ गया है, कहाँ ऑपरेटर ने गेम खेला हुआ है, क्या वो काफ़ी नीचे आ गया अपनी सपोर्ट पे आया, फिर वहाँ की पुट्टे बेचता हूँ, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता तो फ्यूचर खरीद के कॉल बेच देता हूँ, कॉलों के प्रीमियम को चेक करता हूँ। यानी ऑपरेटर ने बहुत सारी स्ट्रैटेजी चलाता है, उनमें से एक ही है। तो ये जो मैं टारगेट प्राइस देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, एक क्रोनोलॉजिकली मेरे सारे टेलीग्राम चैनल पे अरेंज हैं, आप चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसी लिंक से साइनअप करिए, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा बिल्कुल फ्री है, वहां जाके आप स्क्रोल अप करते जाइएगा, ऊपर जाते जाइएगा स्क्रोल करके, तो आपको डेली बेस पे मंडे टू फ्राइडे जहां भी मुझे कोई टारगेट पता चलता है वहां वो कलेक्ट करता रहता और बीच बीच में एडिट भी कर देता कि एक ही जगह आपको सारे टारगेट्स मिल जाए। तो पीछे तक जाके देखिए और उसके हिसाब से आप भी अपनी रणनीति ऑपरेटर को मात देने वाली तैयार कर सकते। तो कई लोगों को लगता है जो टेलीग्राम चैनल पे लोगों को वो चैनल पसंद आते हैं जहां पे टिप्पे होती हैं, ये खरीद लो वो खरीद लो, नहीं, मेरा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल एजुकेशन वाला है, यहां मैं सारी बातें डालता हूं। मजेदार की बात, मैं ये सारी चीजें सुबह सुबह डालता हूं और सारा दिन ट्रेडिंग के दौरान इनको रिव्यू करता रहता हूं, पिछले मैसेजेस भी देखता रहता हूं कि मैंने पिछली बात में क्या लिखा था, क्या नोट किया था। मुझे क्रोनोलॉजिकली अपने टेलीग्राम चैनल पे स्क्रोल अप करने से सारी अपने इवेंट्स जो मैंने लिखे होते हैं, खबरें जो मैंने लिखी होती हैं, मुझे मिल जाती, क्योंकि मैं वहाँ पे कॉर्पोरेट टिटबिट्स भी डालता हूँ, कौन सा स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस लग रहा है, क्या चीज़ें हैं, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, उनको देखता रहता हूँ, भाई यार ये स्टॉक का तो बड़ी अच्छी खबर आई थी, अब ये क्यों होता है, जैसे कोई अच्छी खबर आती है ना स्टॉक भाग जाता है, तो जो शरीफ से इन्वेस्टर होते हैं ऊपर के रेट पर फंस जाते हैं, मैं नहीं पकड़ता, मैं रुक जाता हूँ। रिपोर्ट मैंने डाल रखी होती है, टारगेट मैंने डाल रखा होता है, खबर मैंने डाल रखी होती है अपने टेलीग्राम चैनल पे, दो तीन दिन बाद मैं फिर स्क्रॉल करता हूं, देखता हूं इसका तीन दिन पहले बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई थी, अब शेयर गिर गया, दो दिन तीन दिन चढ़ाया अब गिर दिया, मैं उसे पकड़ लेता, क्योंकि जब अच्छी कोई बात होती है उसको ऑपरेटर खींच देता है और हम फिर भूल जाते हैं, फिर गिर देता, हमें पता ही चलता अभी चढ़ा क्यों था, गिर गया क्या हुआ, हम भूल जाते। मैं जब पीछे जाकर देखता हूं अपने ही मैसेजेस को और वहां देखता हूं इसकी तो एक अच्छी खबर आई थी
और ये उसके बाद चढ़ा था और अब गिरा पड़ा है, तो मैं समझ जाता हूँ ऑपरेटर ने इसने अपना गेम खेल लिया, अब इसने नीचे लगा दिया, अब थोड़े दिन बाद ये चढ़ेगा, फिर मैं उसको अपने हिसाब से फॉल्स पर चार्ट देखकर तय करके उसको एक्यूमुलेट करता रहता। तो इस तरीके से जब मैं रणनीति तैयार करता हूँ तो सामने बन के आती है ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें श्योर शॉट मुनाफा मिलता है। बेटा मेरे दो चैनल हैं यूट्यूब पे, एक ये वाला है एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसपे मैं बढ़िया वीडियोस, अच्छी वीडियोस जो मतलब कहने स्ट्रेटेजिकल वीडियोस डालता हूँ, और दूसरा चैनल है मनोज कुमार जैन, उस पर भी बहुत वीडियोस डालता हूँ, पर वो डेली कमेंट्री वाली भी होती है, उस पर डेली क्या हो रहा है वो बातें बताता हूँ। यहाँ मैं ऐसी वीडियोस डालता हूँ जो मैंने अगर 3 महीने पहले डाली है ना, उसको भी आप देखोगे तो मजा आएगा, 1 साल पहले डाली उस पर भी नॉलेज वाली इन्फॉर्मेशन होगी, यानी यहाँ नॉन पेरिशेबल वीडियोज डालता हूँ, वो वीडियोज जो आपके लिए जीवन भर साथ देंगे, और वहाँ तो डेली का बस शेयर बाजार डिस्कस करता हूँ तो पेरिशेबल हो जाती हैं वीडियोज, 1 दिन 2 दिन के बाद फिर वो पुरानी हो जाएगी पिछली वाली तो, लेकिन यहाँ ऐसी वीडियोज डालता हूँ। तो आप दोनों चैनल्स को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस चैनल पे मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी चलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उस चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, कब किस में क्या चल रहा है और मैं किस तरह से उसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाता हूँ, जो स्ट्रैटेजी बताया इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा, जब मैं देखूंगा शेयर को मारा है अभी नीचे के रेट पे आ रहा है तो मैं उसको पुट्टे बेच दूंगा, फिर उसको प्रॉफिट कमा लूंगा, फिर देखूंगा अगर ऊपर गया है काफ़ी एक रेंज पकड़ी है और ब्रोकरेज हाउस की फिर रिपोर्ट अच्छी आई है, अब ऑपरेटर गिरेगा तो ऊपर की कॉल बेच दूंगा, इस तरीके से मैं उसमें गेम चलाता जाता हूँ, उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ये सब चीज़ें आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो मेरा नंबर है 7011-3230-77-7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और एक अच्छा डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाइए तभी मज़ा आता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय-बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।